सो हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो गौशाला से कर रहे हैं और आज मकर संक्रांति है तो सोचा दिन की शुरुआत गौशाला से करते हैं। गाय को चारा देंगे तो गौशाला के बाहर ही ये दो गोट हमें मिली है तो इनको ही मम्मी पहले घास खिला रही है और ये बड़े मज़े से घास खा रही है, हरा घास ये देखिए। सो लग रहा है इसको काफ़ी टेस्टी लग रहा है। चलिए गौशाला के अंदर चलते हैं और आज काफ़ी भीड़ भाड़ है क्योंकि मकर संक्रांति को बोलते हैं कि साल की पहली शुरुआत होती है तो मम्मी बोल रही है कि सबसे पहले बछड़ों को देंगे, क्या यानी कि गाय की बच्चों को। तो चलिए पहले वहीं चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ गाय देखने को मिल रही है। सो काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं अब हम गौशाला। कोशिश करते हैं कि हफ्ते में एक बार आएं, बट इस बार काफ़ी देर में आना हुआ। दो हफ्ते बाद हम गौशाला आएं बिकॉज बहुत ही ठंड थी यहाँ और दो हफ्ते से बिल्कुल धूप भी नहीं निकली थी और यहाँ पे बछड़े रहते हैं तो यहीं अंदर हम जाने वाले हैं कि इनका अलग से स्पेशल रूम यहाँ पर है कि वहीं पर जो नए नवजात जो बछड़े रहते हैं वो यहीं रहते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। सो ये देखिए कितने सारे बछड़े हैं यहाँ पे और इनको इनकी माँ से अलग रखा जाता है देखिए। और यहाँ पे आज जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे काफ़ी सारे तूड़ी भी पड़े, तूड़ी यानी कि सूखा घास ताकि इनको थोड़ी गर्माहट रहे। देखिए कितनी प्यारी है ये देखिए। तो इनको देंगे पहले हरा घास। ये देखिए हमें देखते ही आ गई हैं, वही देखिए काफ़ी सारी हैं यहाँ पे। और ये देखिए छोटा बछड़ा तो चलते चलते गिर ही गया। और ये नया बछड़ा जैसे कि मम्मी बोल रही हैं ये अभी हुआ है और देखिए ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, चलते चलते गिर रहा है और पूरा घास इसने अपने ऊपर लगा लिया है। ये देखिए ये देखिए नहीं चल नहीं पा रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा ठीक से। और ये देखिए कैसे एक साथ बैठी हुई है सारी बछड़ियाँ और एक साथ बैठी हैं, शायद ठंड की वजह से एक साथ बैठी हुई हैं गर्माहट के लिए। ये देखिए तो जूम करके आपको दिखा देती, देखिए काफ़ी सारी हैं एक साथ बैठी हैं, छोटी छोटी हैं देखिए। सो फ्रेंड्स, पहले तो इनको हरा घास दे रहे थे बट यहाँ काम करने वाले ने कहा कि ये छोटी बच्ची हैं इनको हरा घास नहीं देना है क्योंकि ठंड लग जाती है, तो यहाँ मम्मी उनको खील खिला रही है देखिए। तो आज काफ़ी सारा सामान लेके आए हैं क्योंकि दो हफ्ते बाद आए गौशाला में तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो गाय हैं और बछड़े हैं उनको हम कुछ दे सकें। और आज नया साल भी है तो लग रहा है इनको ये पसंद आया है तो बड़े आराम से खा रही हैं। सो जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं मम्मी गाय को हरा घास दे रही है तो हमने थोड़ा हरा घास भी लिया है और थोड़ी चीज़ें हम घर से भी लेके आए हैं और थोड़ा मार्केट से परचेज़ करके आए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब देंगे गौ माता को। तो यहाँ जो हरा घास लिया है वो दे रहे हैं और देखिए हरा घास देख के कैसे फटाफट आ रही है बछड़ी। और ये मैडम जी तो ऊपर चढ़ी हुई हैं, पता नहीं कैसे यहाँ पर चढ़ गई हैं। और देखिए और यहाँ पर भी छोटे छोटे जो बछड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं ये देखिए। तो मम्मी यहाँ भी उनको हरा घास दे रही हैं, ये थोड़े से बड़े हैं तो ये हरा घास खा सकते हैं। जहाँ हम पहले गए थे वो बहुत ही छोटे थे, वो न्यू बॉर्न बछड़े थे तो उनको घास नहीं देते। और यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा अखील भी दिया जा रहा है गौ माता को ये देखिए। और चोकर भी लेके आई जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना ये बैग में पॉलीथीन में। सो ये चोकर ये गाय के लिए बहुत ही पौष्टिक चीज़ है और ये गाय को दिया जाता है। और ये आपको जैसे पता होगा होल फाइबर रहता है चोकर, तो ये लेके आए हैं गौ माता के लिए। तो देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे गाय हैं गौशाला में ये देखिए, तो इनको ये बहुत पसंद भी है चोकर। ये देखिए देखिए ये दूसरे का खाने लग गई, मम्मी ने इसको दिया था और वो उसका खाने लग गई है। सो ये भी काफ़ी पौष्टिक होता है और इनको गायों को बहुत पसंद भी है तो ये खा लेती है। ये देखिए इस ये देखिए तो मम्मी यहाँ पे सिंह को सहला रही हैं, ये भी गौ माता को बहुत पसंद होता है और इनको ऐसा सहलाना उनको पसंद है। या जैसे गले के नीचे आप ऐसे उनको सहलाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मम्मी ने सारा जो चोकर है वो दे दिया है गौ माता को।
और थोड़ा थोड़ा सबको दे रही है यहाँ पे कि बराबर सबके पास चला जाए। और जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी गौशाला जो है वो गाय से भरी हुई है। सो इस गाय में लगभग मेरे हिसाब से 200-300 से भी ज़्यादा जो गौ माता हैं उनको रखा गया है। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी कुछ एप्पल आई हैं, वो भी दे रही हैं गाय को। ये देखिए तो आपस में लड़ भी पड़ती हैं कई बार कि हम खाएंगे पहले, हम खाएंगे। ये देखिए देखिए खाने के चक्कर में सब नीचे गिर जाता है, ये एक दूसरे का खाने की कोशिश करती हैं यहाँ पे। ये देखिए सो कोशिश करें आप लोग भी अपने नज़दीकी जो भी गौशाला हो ज़रूर एक बार जाएं। सो फ्रेंड्स अभी हम गौशाला के दूसरी तरफ आ गए हैं, ये अलग से एक सेक्शन है। यहाँ पे आपको जितने भी हैं बैल दिखेंगे और जितनी यहाँ पे गौ माता हैं उतने ही यहाँ पे बैल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी उनको रखा जाता है जो लावारिस हैं या जिनको कुछ बीमारी है, तकलीफ है या कुछ चोट लगी है, तो वो भी यहाँ रखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ भी मम्मी उनको गुड़ दे रही हैं। ये देखिए और यही की बारे में इसको खा लेते हैं। देखिए कितना बड़ा टुकड़ा एक साथ खा लिया है। और इनको गुड़ बहुत पसंद होता है, गौ माता हो चाहे बैल हो उनको गुड़ पसंद है। ये देखिए जो छोटे छोटे भी हैं इनको, ये भी कह रहे हैं मुझे भी दो। ये देखिए तो फ्रेंड्स मुझे तो गौशाला आना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हफ्ते में 2 बार आती हूँ, नहीं तो कोशिश करती हूँ कि एक बार तो ज़रूर आऊँ कैसे भी करके, और चाहे कितना भी ठंड हो तो मैं आती हूँ, क्योंकि आजकल विंटर्स है यहाँ पे। तो आती हूँ हफ्ते में एक बार तो ज़रूर आती हूँ और कुछ ना कुछ इनके लिए लेके आती हूँ, घर से रोटी बना के लेके आती हूँ या गुड़ लेके आती हूँ। और ऐसे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि गौ माता में हज़ारों करोड़ों जो देवी देवताएँ हैं वो वास करते हैं। तो ज़रूर आप भी कोशिश कीजिए आसपास, आप अगर आपके गौशाला है या पालतू जानवर गौ माता घूम रही हैं तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ दीजिए, ये बहुत अच्छा होता है। आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आता हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को।